नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जज की मौत, हत्या या फिर हादसा, ये बड़ा सवाल है। ये मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी खबर स्वतही संज्ञान ले लिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर मामले की जांच करने में पुलिस विफल होती है तो सीबीआई से जांच कराई जा सकती है। और वहीं कोर्ट में डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जल्द ही दोषियों को पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। जज की मौत का मामला है, रहस्यमय तरीके से। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो कि बेहद संदिग्ध है। ये ऑटो जज जॉगिंग के लिए निकले थे, मॉर्निंग का वक्त था और ये ऑटो देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ऑटो अपनी दिशा में जा रहा था। एक तरफ जज वहां पर जॉगिंग कर रहे थे लेकिन ऑटो ने लेफ्ट लिया और जज को टक्कर मारी और वहां से निकल गया। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, झारखंड कोर्ट सख्त है, डीजीपी को एक तरीके से ये मौका है, आखिरी मौका या पहला कि आप कर सकते हैं, तो बताइए क्या हो रहा है प्रदेश में, वरना सीबीआई को सौंपा जाए अगर आपकी बस की नहीं है तो। देखिए विपनीत, बिल्कुल जिस तरीके से जज की ये मौत का मामला सामने आया था, पहले इसे हादसा माना गया लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये लगा कि ये एक बड़ी साजिश है और उसके बाद इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। आज सो मोटो एक्शन लिया है झारखंड हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस रवि रंजन ने वो साफ तौर पर डीजीपी को तलब किया था। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धनबाद के एसएसपी से भी जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया है कि अगर पुलिस इंक्वायरी में सीसीटीवी फुटेज था तो वो सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हो गया और अब तक इस केस में क्या जांच हुई है। डीजीपी ने उन्हें तमाम जो जांच हुई है, अभी तो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके बारे में उन्हें तफ्तीश से बताया है और इसके बाद, लेकिन झारखंड बार एसोसिएशन का मांग था कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई को दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने एक मौका डीजीपी को दिया है कि आप इस मामले में जांच करें और तथ्य को सामने लाएं, नहीं तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाएगी। क्योंकि ये बड़ा ही संगीन मामला है और आपको बता दें कि जिस जो उत्तम आनंद जिनकी कल मौत हुई थी, शुरू में इसे दुर्घटना माना गया था लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो ये लगा कि यह साजिश के तहत तहकीक की गई है। क्योंकि झारखंड के दो चर्चित मामले की जाँच अभी जस्टिस उत्तम आनंद के बेंच में चल रही थी, जिनमें कि दो माफिया घरानों के बीच की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की जो जाँच है वो अभी इनके कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसमें ट्रायल होना था। तो निश्चित तौर पे अब मामले में कई जांच के बिंदु आ गए हैं और जिनकी तफ्तीश निश्चित तौर पे होनी जरूरी है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के पहले जब ये मामला सुर्खियों में आया था तो झारखंड के डीजीपी ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था, रेंज के डीआईजी को वहाँ मौके पर भेजा गया है और इस मामले में और उस ऑटो को जब्त कर लिया गया है जिस ऑटो से इन्होंने टक्कर मारी गई थी। बताया गया कि यह ऑटो भी चोरी की है। इसके अलावा दो लोग उस पर सवार देखे थे जिनमें के दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये दोनों संदिग्ध वही हैं जो उस ऑटो में बैठे थे या फिर उनसे रिलेटेड जो गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर यह बड़ी मामला है और धनबाद के लिए बहुत बड़ा मामला है क्योंकि वो दो माफिया घरानों के बीच में कई हत्याएं हो चुकी है और उन हत्याओं की जांच जो सुनवाई थी वो जस्टिस उत्तम आनंद के कोर्ट में चल रही थी। जस्टिस उत्तम आनंद की मौत का ये मामला, अमिताभ ओझा मेरे साथ बने रहे। देखिए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है धनबाद में जज की मौत पर। झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी को कहा है कि प्रदेश में हो क्या रहा है, क्या आप कर सकते हैं जांच, इसमें दोषियों को सजा दिला सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं। पहली नजर में ये साजिश और हत्या लग रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके बाद से, क्योंकि पहले ये हादसा ही लग रहा था। उधर जज की मौत पर बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने इस बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जब राज्य में जज सुरक्षित नहीं तो आम जनता की क्या बात की जाए। साफ दिखाई पड़ रहा है कि अपर जिला जज धनबाद को सीधे टक्कर मारी जा रही है, मौत हुई है। क्या जज भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है? देखिए दुर्भाग्य है झारखंड का कि वहाँ की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुई है। वहाँ 3.5 करोड़ जनता आज अपने आप को असुरक्षित समझ रही है। अब तो जज न्यायाधीश भी आज उनकी मौत हुई है धनबाद में संदिग्ध अवस्था में, वो भी एक मर्माहत करने वाला दृश्य है और ये कहानी कह रही है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। गिरफ्तारियां हो गई, गिरफ्तारी केवल जनता को दिखाने के लिए हुई, तह पर जाने के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
और जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जांच की मांग की है इस मामले में। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने तो स्वतः ही संज्ञान ले लिया है, लेकिन अब तमाम जो और वकील हैं वो गुस्से में इस मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसमें जांच की मांग की है। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रहस्यमय मौत है। और जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया तो पूरी थ्योरी बदल गई, क्योंकि इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है स्पीड में आता है ये ऑटो और जान कर ये टक्कर मारी जाती है। इसीलिए एंगल ये अब साजिश का और हत्या का उठ गया है, उस पर जो है जांच हो रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। और अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, इस मौत के बाद अब गुस्सा चारों तरफ है और सवाल सुरक्षा को लेकर है कि जो न्याय दिला रहे हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी जनता का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह जहाँ पे ये धनबाद में ये घटना घटी है वहाँ बगल में एसएसपी का आवास है, डीसी का आवास है और वहीं जजेस कॉलोनी है जहाँ से जज उत्तम आनंद अपने घर से निकलते थे और करीब जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उस रेडियस में वो टहल कर फिर अपने घर वापस लौट जाते थे। और कल भी वो नियत समय पर ही अपने घर से निकले थे और अकेले उनके साथ उस वक्त बॉडीगार्ड भी नहीं होता था, वो सिंपल जॉगिंग करके जा रहे थे और उसी समय ये घटना घटी थी। आपको बता दें कि जब ये घटना घटी थी उसमें परिवार वालों को अंदाजा भी नहीं था। बाद में जब वो घर वापस नहीं लौटे उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई थी और बाद में पता चला कि एक डेड बॉडी जो है अबैंडन हॉस्पिटल में पड़ी हुई, और बाद में उनके बॉडीगार्ड ने उनकी पहचान की और उसके बाद मामला सामने आया कि अपर जिला जज उत्तम आनंद है। और बाद में जब शाम में सीसीटीवी जो निकला, चूँकि वहाँ पर चौक पर सरकार म्यूनसिपैलिटी का सीसीटीवी लगा हुआ था, अब सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो ये साफ हो गया कि ये एक बड़ी साजिश थी और साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मंगलवार की रात ऑटो की चोरी होती है और उसी ऑटो से बुधवार की सुबह में अगले सुबह जज को टक्कर मारा जाता है और उसके बाद वो ऑटो जो है जिला बदलकर बगल के जिले में चल जाती है और वहाँ छुपा दी जाती है। तो निश्चित तौर पे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको अंजाम दिया गया था। और धनबाद का यह इतिहास रहा है कि वहाँ दो जो माफिया सरगना है वहाँ पे उन दोनों के परिवारों में खूनी अदावत होती भी रही थी और इसी अदावत की केस जो है इनके केस उत्तम आनंद देख भी रहे थे, उनके कोर्ट में चल रहा था, इसलिए यह बहुत बड़ा मामला बनते जा रहा है। ओके, और फिलहाल एसआईटी वहां पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुलिस झारखंड पुलिस का बयान नहीं आया है जिसमें वो पुष्टि करे कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी संदिग्ध की बात कही जा रही है जिनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।